ओशो ने कभी आगाह किया था कि मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों को एक बहुत बड़ी परेशानी होगी कि वो मेरी पिक्चर को, बहुत बड़ी पिक्चर को अपने साथ रखेंगे और उससे तुलना करेंगे दूसरे गुरुओं के साथ। बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, मुझे भूल जाओ, और अगर तुम वास्तव में मेरे शिष्य हो तो किसी जीवित गुरु को ढूंढना और उसके साथ रहना। उसमें तुम मुझसे दगा नहीं करोगे, बल्कि तुम वास्तविक शिष्य मेरे तभी कहलाओगे। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे जीवन में ओशो की बहुत बड़ी तस्वीर है, और उसी तस्वीर से मैं हर एक इंसान की तुलना करता हूँ, हर एक गुरु की, तथाकथित या सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु, उनकी तुलना करता हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैंने ओशो को इतना बड़ा गुरु माना कैसे, क्योंकि मैंने शायद ओशो की तुलना पिछले गुरुओं से की होगी, लेकिन ओशो स्टैंडर्ड हो गया, और बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा, मरने के बावजूद बहुत बड़ा स्टैंडर्ड। और जो जीवित गुरु हैं वो बचकाने नजर आते हैं, उससे पीछे के गुरु महात्मा बुद्ध वो प्राइमरी क्लास के बच्चे नजर आते हैं, हालांकि उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, मैं उनको भी सम्मान देता हूँ, लेकिन ओशो के सामने वो बहुत छोटे नजर आते हैं। और चलो वो आए आए, भविष्य के जो गुरु हैं, जीवित गुरु हैं, वो भी छोटे नजर आते हैं, ऐसा क्यों? और इस गुत्थी से बाहर कैसे निकला जाए? जब कोई मिल जाएगा ना बुद्ध, जब कोई असलियत में मिल जाएगा और जहाँ प्रेम घट जाएगा, जहाँ बुद्धि नहीं घटेगी, तो इससे बाहर निकल आओगे। असली चीज तो ये है, ये बात जो ओशो ने कही है पता नहीं कहाँ कही, तो मुझे पता नहीं। मुझे तो अगर पता होती पहले तो मैं कुंभ के दौरान इस बात को लोगों को सुनवाता कि ओशो ऐसे कह गए हैं। लेकिन मैं तो खुद कहता हूं कि हर बुद्ध पुरुष अपने जीते रहते बहुत शिष्य बनाता है, और जाने के बाद आने वाले बुद्ध पुरुषों के लिए उन शिष्यों के माध्यम से सूलियां तैयार करवा देता है। खुद जिंदा रहते विरोध सहता है दूसरे लोगों का, और जब वो मर जाता है तो उसके लोग दूसरों का विरोध करते हैं। यही यही होता आया है, यही होगा, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन की आदत है। जैसे मैं पहले बात कह रहा था, हम कंपैरिजन करते हैं। तुम बुद्ध से ओशो का कंपैरिजन करते हो तो तुम्हें बुद्ध छोटे नजर आते हैं, लेकिन बुद्ध के बहुत मानने वाले होंगे जिन्हें ओशो आज भी छोटे नजर आते हैं। और तो और छोड़ो, मैं राम रहीम के मानने वाले दिखा सकता हूं जो कहेंगे कि ओशो बेकार है। आशाराम के मानने वाले कहेंगे जो बेकार है। ऐसे बहुत से मेरे मानने वाले भी कह सकते हैं कि ओशो बेकार है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम का सूत्र है कि तुमने प्रेम से किसी को चाह लिया तो वो सबसे अच्छा लगता है, उससे अच्छा कोई लगता नहीं। ये प्रेम की आंख है, यहां पे ज्ञान की बात नहीं है। ओशो जिसको अच्छे लगे वो प्रेम की बात है। फिर कभी कभी प्रेम मतलब ही होता है, तो मतलब की बात है। प्रेम जिनके लिए प्रेम है एक आंख में हो गया, उनके लिए प्रेम की बात। जिनके लिए प्रेम थोड़ा सा परीक्षाओं से गुजर के होता है, उनके लिए मतलब की बात। जिनके लिए प्रेम का मतलब हमारे कुछ फायदे हो गए, उनके लिए प्रेम फायदे की बात। तो ओशो कोई फायदे के रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन मेरा तो सरासर मानना यह है कि ओशो को सिर्फ एक ही रूप में माना जाना चाहिए, वो ये कि जो आपके अंदर छुपा हुआ बीज रूप में है वो उनके अंदर प्रगाढ़ रूप में है, इसी तरीके से माना जाना चाहिए। कंपैरिजन की बात नहीं है, कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। बहुत सी बातों में कंपैरिजन ही करके बैठोगे तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा, और इसी लड़ाई झगड़े ने खो दिया। ओशो से आप दूसरे का कंपैरिजन क्या करते हो, क्योंकि आप खुद भी बहुत सारे प्रश्न लेके डायरी में लिख के बैठे हो। इससे ये बात पता लगती है कि बुद्धिगत आप बहुत सी चीजों से सहमत होना चाहते हो, और बुद्धिगत बहुत चीजों से सहमत हो। तो ओशो को मौके तो मिले कि 20,000 घंटे का प्रवचन दे पाए, इतने सारे प्रश्न करने वाले इकट्ठे तो हुए। मैंने एक बार कहीं कहा था कि कृष्ण ने गीता कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा। मुझे भी अपनी गीताओं के लिए अर्जुनों की तलाश है, मैं एक आध अर्जुन से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं तो बहुत सारे अर्जुन चाहता हूं, लेकिन अर्जुन मिलते नहीं। मेरे लगभग 250 से ज्यादा हो चुके हैं लेक्चर्स, लेकिन 250 लेक्चरों में आज दूसरी बार है कि आमने सामने डिस्कशन में बैठे हैं। इससे पहले एक डिस्कशन में बैठे थे, उसके बाद आज। बाकी तो प्रश्न पूछने बैठ जाते हैं, फिर जवाब में जो भी दिए रहूं,
क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, मैं तो कहता हूं क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। तो अर्जुनों की जरूरत है। ओशो के साथ सिर्फ इतना हुआ कि ओशो 20,000 घंटे का ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके पास 20,000 घंटे कहा जा सके इससे संबंधित प्रश्न थे। मैं कहता हूं 40,000 घंटे भी कहा जा सकता है, 24 घंटे बोला जा सकता है। मैं जब सहारनपुर के एक आश्रम में गया था रहने, तो मैं लगभग 15 दिन तक सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बोलता था, क्योंकि लोग घेरे रहते थे। तो एक बड़ा प्रेमी था वहां पे, उसने दूसरे तीसरे दिन ही वो वहां आ गया था। तो वो दिन भर ऐसे ऐसे बैठा रहता था, तो चिंतित हो गया। तो उसे कहता था, स्वामी आप बीमार ना पड़ जाओ, इतना बोलते हो। मैं बोलता नहीं था, अब क्या करूं। गांव का हर आदमी अलग अलग समय पे आ रहा, और जो आ रहा उसे यही है कि नए गुरुजी आए हैं तो कुछ बोलेंगे, प्रश्न लगभग एक जैसे, लेकिन मेरा बोलना सुबह से शाम तक जारी। तो अगर रिकॉर्ड कर लो सारे प्रश्नों को तो कई घंटे हो जाएंगे। ओशो के अगर आप प्रश्नों की बात करो, देखो ओशो के बहुत प्रेमी ऐसे हैं जो ओशो को बिल्कुल अंतरतम प्रेम से चाहे, वो कहते हैं ओशो ने कुछ बोला ही नहीं। सुनना, वो कहते ओशो ने कुछ बोला ही नहीं, वो तो 20,000 घंटे मौन ही रहे। फिर थोड़े बुद्धिमान हैं उनके ही प्रेमी, वो कहते कि ओशो ने 20,000 घंटे शून्य पे बोला। फिर थोड़े उनके ही शिष्य हैं ध्यान से संबंधित, वो कहते ओशो ने सिर्फ और सिर्फ 20,000 घंटे ध्यान की तरफ ही ले जाने की बात कही। फिर थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते ओशो ने तंत्र पे बोला, सेक्स पे बोला, विज्ञान पे बोला, राजनीति पे बोला, सबको बोला। फिर थोड़े से दुश्मन लोग हैं, वो कहते साला 20,000 घंटे बकवास करता रहा। सबके अपने अपने स्तर है जहां से वो ओशो को देख रहे। हालत यह है ओशो को कोई नहीं देख रहा, ओशो को कोई देख ही नहीं रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। लोग मेरी हरकतें देख रहे हैं, लोग मेरे बोलने को देख रहे हैं, लोग मेरे ये देख रहे हैं ये सब करता कहां से है। लोग कुछ लोग यहां आते हैं संदेह से, एक लड़का 4 महीने मेरे पास रह के गया, भक्त बन के आया। 4 महीने बाद उसने, 4 महीने के बीच में ही बता दिया था, रहा तो 4 महीने टोटल, लेकिन 1-2 महीने और उसने बता दिया। उसने कहा स्वामी जी हम तो आपके प्रति खोज करने आए थे कि ये आदमी की कोई मुझे कमी मिल जाए, इसको मैं नग्न करूं, लेकिन मैं आया मैं तो देखा आप पहले से नंगे हो, अब मैं और क्या खोजूं। तो सबके अपने अपने हैं, कोई दिव्या आती है मिटने के लिए आ जाती है, कोई आता है उसे अच्छा लगता है, जैसा वो जीवन चाहता था वैसा जीवन है इसलिए आ जाता है, कोई इसलिए आ जाता है कि मेरे जीवन में सुकून नहीं था, स्वामी जी के जीवन में सुकून है। सब अपने अपने कारणों से आ रहे, लेकिन मेरे कारणों से अभी तक नहीं आए। मेरे कारणों से, मेरे कारणों वाली बात अभी छुपी हुई है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे तरीके से अगर मैं अपने कारणों की बात करूं तो मैं फिर तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फिर मैं दूसरों को अपने जैसे बनाने की कोशिश करने लगूंगा, वहां पे भ्रांति हो जाएगी। इसलिए मैंने दूसरा काम किया, मैं माली हो गया। जो जैसा फूल है, जो जैसा पौधा है, उसे उस तरीके से पानी दे रहा हूं, उस तरीके से उसे आकाश दे रहा हूं। मेरे जैसे किसी को होने की जरूरत नहीं है, असल में ओशो जैसा भी किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ओशो जैसे होने लगे। और क्योंकि इसलिए होने लगे हैं, मेरे को बहुत लोग ऐसे आए हैं, ओशो के सन्यासियों के नाम बता सकता हूं कि जो ओशो के सन्यासी हैं, जो मेरे पास आने के बाद कहते हैं कि अब जीवन में स्वामी जी हमने थोड़ा ध्यान को समझा, लेकिन उनकी प्रोफाइल पिक्चर पे आज भी ओशो का फोटो लगा होगा, मेरा नहीं लगा है। रीजन है मैं मशहूर नहीं हूं। जब तक ओशो झंझट में थे उनके संग लोग नहीं थे, जब ओशो चले गए बहुत लोग जुड़ गए, जिंदा रहते भी तब लोग ज्यादा जुड़े जब देखा कि कुछ मामला फैल रहा है। तो यहां पे सब प्रचार का खेल है। सिर्फ एक आदमी था जो ओशो का पहले दिन से था, वो थी ओशो की माँ, वो नानी। जब ओशो उपलब्ध हुए और उन्हें पहचाना, वही थी असली। वो हुआ ही उपलब्ध और वो देख लिया बदल गया।
बाकी कोई नहीं था ओशो का। कोई ओशो की बातें सुन के आ रहा था, किसी को ओशो ने कह दिया हम बुद्ध हैं इसलिए आ रहा था। सबके अपने अपने कारण थे। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे पास दिव्या आई, दिव्या का अपना कारण कुछ भी नहीं था, उसे बुद्धत्व का भी पता नहीं था, उसको यह था बस जाना है यहां। तो मैं थोड़ा सा उसको उस श्रेणी में रख लेता हूं जो नानी वाली श्रेणी में आ जाती है। तो इसीलिए कभी कभी बोल भी देता हूं ये मेरी नानी,